बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम दुबई में अपने भाई अहमद लिगारी साहब, जो कि यहाँ के मंझे हुए बिजनेसमैन हैं, आज इनसे छोटा सा मुख्तसर इंटरव्यू लेते हैं। यहाँ पर जो ये खिदमात दे रहे हैं दुबई में पाकिस्तानियों के लिए ना सिर्फ, बल्कि ऑल ओवर द वर्ल्ड कहीं से भी कोई लोग जो हैं इनसे रब्ता कर सकते हैं। मैंने इनका सेटअप देखा, बहुत ज़बरदस्त है, बेहतरीन है। आज पूछते हैं अहमद लिगारी साहब से कि आप जो है पाकिस्तानी भाइयों के लिए क्या खिदमात दे रहे हैं और यहाँ पर जो आपका काम है उसके बारे में थोड़ा सा बताएं सर जी। अहमद लिगारी साहब जी, सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और बिजनेस सेटअप के हवाले से तो बस ये है कि हम अपने लेवल का, बस जो भी है सेटअप चला रहे हैं यहाँ पे। इतना माशाल्लाह जितना आपने हमारी तारीफ कर दी है वो आपकी तरफ से बहुत शुक्रिया। तो बिजनेस सेटअप ये एक, जो हमारी तरफ से लोग आते हैं ना पाकिस्तान से, तो वहाँ से दो कैटेगरी के लोग यहाँ पे आते हैं। या तो वो इन्वेस्टमेंट के हवाले से आते हैं यहाँ पे बिजनेस सेटअप के हवाले से, या वो आते हैं लेबर तबका हमारा जो है। लेकिन आपका जो अपना एक चैनल है वहाँ से आप लोगों को इन्फॉर्मेशन देना चाहते हैं बिजनेस के हवाले से। जब भी कोई बंदा यहाँ पे आना चाहे तो सबसे पहले, जैसे आपने बहुत अच्छा स्टेप लिया कि एक आपने विजिट लिया यहाँ पे, विजिट लेके जब आप यहाँ पे आते हैं ना, सबसे पहले आप इन्वायरमेंट को देखते हैं कि आप इस इन्वायरमेंट में आप रह सकते हैं नहीं रह सकते। क्योंकि हम लोग जो है ना अपने फैमिली वैल्यूज जो चीज़ों में उसमें इन्वॉल्व होते हैं बहुत ज़्यादा, तो हम यहाँ पे मैनेज कर सकते हैं या नहीं। और जैसे आपने अभी अपना सेटअप यहाँ पे देखा, शारजा में भी आपने स्टे किया, दुबई में भी किया, अब आके आपने एक डिलीवरी का सेटअप आपने अपना स्टार्ट किया। डिलीवरी का सेटअप ये आपने देखा कि आपको कंस्ट्रक्शन भी यहाँ पे देखने को मिला है, रेस्टोरेंट के हवाले से भी है, ट्रैवल टूरिज्म के हवाले से भी है। लेकिन आपने अपना डिलीवरी को चूज़ किया, उसका बेस्ट ऑप्शन ये था कि आपने 20 डेज उसको पहले टाइम दिया, चीज़ों को मैनेज किया कि आप किस चीज़ को कर सकें। माशाल्लाह आपका सेटअप भी बहुत अच्छा है कि जो आप डिलीवरी की तरफ जा रहे हैं। बिजनेस जितने भी हैं यहाँ पे, नो डाउट के वो यहाँ पे रन करते हैं। आप जिस भी बिजनेस की दो चीज़ें हैं, पहली चीज़ ये है कि आप जो माइंड बनाते हैं जिस बिजनेस को आपने करना है, आप उस बिजनेस को खुद करने की सलाहियत रखते हैं। देखा देखी का काम कभी भी ना करें। जब आप हमारा जो यहाँ पे सेटअप है, मैं उसके बारे में आपको थोड़ा एक्सप्लेन कर दूँ। हमारा ये है बिजनेस मैन सर्विसेज, बिजनेस कंसल्टेंसी। हम यहाँ पे लोगों को क्या फैसिलिटीज देते हैं, हमारे ऑफिस के अंदर से क्या है। हम जो लोग यहाँ पे पाकिस्तान से, दुनिया से कहीं से भी आते हैं, जो भी इन्वेस्टमेंट यहाँ पे करना चाहते हैं, बिजनेस उनको मशवरे चाहिए, उनको बिजनेस सेटअप चाहिए, हम उनको सारा कुछ बना के देते हैं। जैसे हमारे पाकिस्तान से मैक्सिमम लोग जो आते हैं उनको यहाँ पे कंस्ट्रक्शन और डिलीवरी की तरफ उनका सबसे ज़्यादा रुझान अभी जा रहा है, तो उनको यहाँ पे सेटअप बनाना, उनको अपना ऑफिस बनाना है, उनको पीआरओशिप चाहिए, उनको बिजनेस के लिए 1 ईयर के लिए फैसिलिटीज चाहिए, जो भी उनके पेपर वर्क हैं वो उनको चाहिए, स्पॉन्सर चाहिए, ऑफिस चाहिए, ये सारी चीज़ें हम उनको प्रोवाइड करते हैं। अगर उनको शेयरिंग ऑफिस चाहिए हम उनको शेयरिंग ऑफिस भी प्रोवाइड करते हैं। उनको अपना ऑफिस सेटअप चाहिए उनको उनका ऑफिस सेटअप बना के देते हैं। उनको इजारी का काम है, सारी चीज़ें मतलब ए टू जी हम अपनी तरफ से अपनी सारी चीज़ें उनको फैसिलिटेट करते हैं, उनको हर एक चीज प्रोवाइड करते हैं। बात कर रहा हूँ, कोई बंदा अगर वहां से आए उसको टेंशन लेने की जरूरत नहीं। यहाँ पर बैठे आप उसको फुल फैसिलिटेट करते हैं 100%। जब पाकिस्तान से या दुनिया किसी को ना, जब बंदा किसी नए मुल्क में जाता है नया सेटअप बनाने के लिए, बड़े अवाम होते हैं। जी जी जी। और मैंने यहाँ पर देखा है, मैंने खुद 20-25 दिन यहाँ पर गुजारे हैं, इन्फॉर्मेशन ली है, तो यहाँ पर किसी कंपनी को रजिस्टर्ड करना शुरू में मुझे ऐसे लगता था कि उधर ऑफिस जाए, उधर ऑफिस जाए, इधर जाए, भाग दौड़ या नामुमकिन लगता था। नहीं, लेकिन आपसे मुलाकात हुई, यकीनन यहाँ पर हमारा जो है मेरे इसी ऑफिस में, और आपका ऑफिस माशाल्लाह बड़ा है, मैंने सारा विजिट किया है, बहुत बड़ा ऑफिस है, तो यहीं पर बैठो, एक कमरे से निकले दूसरे कमरे में,
पांच सात कमरों में जाएं और आपकी कंपनी रजिस्टर हो रही है, बड़ी फैसिलिटेशन है। ये एक हमारा एरिया है, ये अभी जो नैप का है। अच्छा, इसके अलावा अलबराम में भी हमारा ऑफिस है। अच्छा, अलबराम ठीक है ना, फरीद मुरार में भी हमारा ऑफिस है। और अभी शारजा में आपको लास्ट टाइम अभी ओपन करें, वहाँ पे विजिट भी करवाया था आपको, शारजा में भी सेटअप हो रहा है। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह इस तरह से हम ए टू जी, ये है कि अभी जैसे एक इन्वेस्टर है ना विजिट पे है वो सबसे बेस्ट है, वो कोई वीजा किसी से परचेज करके यहाँ पे ना आए, वो विजिट पे ही है, यहाँ पे 3 मंथ्स का विजिट है ज्यादा बेहतर है, वरना 1 मंथ के अंदर आए 10 दिन के अंदर अंदर आपको मार्केट के अंदर सारी चीजें आपको पता चल जाती है। अब आप आए सिर्फ विजिट के ऊपर, एक टूरिस्ट वीजा के ऊपर, बिजनेस वीजा के ऊपर आप यहाँ पे आके देखिए आप चीजें। अब हमारे ऑफिस में आप आते हैं ना, अभी यहाँ पे आके आपको हम लाइसेंस जो बनाएंगे ना, आपको वहां से स्टार्ट से आपका कंपनी का टोटल स्टार्टअप हम लेंगे और एंड तक आपको कंपनी रेडी करके देंगे, आपको ऑफिस के अंदर आपको सारा सेटअप आपका कंप्लीट मिलेगा। उसके बाद यह है कि अब आपका आगे आ जाते पूरे साल की सर्विसेज, वो भी हम आपको प्रोवाइड कर सकते हैं, वरना यह कि आपको हम उसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन दे देंगे, आगे आप खुद भी रन कर सकते हैं। यहाँ पे सब कुछ ईजी है, जो लोग ये परसेप्शन बनाते ना कि वहां पे जाएंगे तो बहुत मुश्किल होगा, ये कोई नहीं है, यहाँ पे सब कुछ, यहाँ पे फर्स्ट प्रेफरेंस, यहाँ पे इंग्लिश लैंग्वेज के साथ आप सारा बिजनेस भी कर सकते हैं, आप अपनी हिंदी उर्दू इस जबान के साथ भी अपना बिजनेस सेटअप कर सकते हैं, अरेबिक भी है। यहाँ पे ये नहीं है कि अगर अरेबिक नहीं आती तो आप यहाँ पे बिजनेस सेटअप के लिए आपको प्रॉब्लम होगी, नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, सब कुछ ईजी आपके लिए। वीजा उसके बाद आपने अपनी कंपनी बना ली, अपनी कंपनी के अंदर आप अपना खुद का इन्वेस्टर का वीजा भी लगा सकते हैं, 3 इयर्स का वो वीजा भी आपका लग जाएगा। ये नहीं है कि आप फिर किसी और के अंदर है, आप अपनी कंपनी के ही अपने स्पॉन्सर खुद आपकी कंपनी आपको वो कर देती है। एम्प्लॉयमेंट वीजा लगे, आप अपना स्टाफ पाकिस्तान से बुलाना चाहते हैं वहां से आप अपना हायर कर सकते हैं आपको, क्योंकि वो चीप पड़ जाता है कि यहाँ से बुलाने के, यहाँ से जो एक्सपर्टीज है यहाँ का, जिसके पास एक्सपीरियंस है वो लोग थोड़ा सा सैलरी ज्यादा हाई लेते हैं। तो आप अपने पाकिस्तान से भी लोगों को, अकाउंटेंट है, एचआर मैनेजर है, जो भी उनको यहाँ पे पाकिस्तान से लेके यहाँ पे उनके वीजे आप लगा सकते हैं। अपनी कंपनी के अंदर आपको कोटा भी मिल जाता है, आप अपना पूरा बिजनेस सेटअप खुद ही बना सकते हैं। और बाद में कॉन्ट्रैक्ट्स के हवाले से, तो कॉन्ट्रैक्ट के हवाले से अभी ये है कि हमने, हमारी तो ड्यूटी ये है ना कि हमने आपको लाइसेंस एक बना दिया डिलीवरी का या कंस्ट्रक्शन का, अभी आपने मार्केट में जाना है आपको वहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट्स होने हैं, तो वो फ्री ऑफ कॉस्ट, जो कॉन्ट्रैक्ट्स के हवाले से वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट, हम आपको कॉन्ट्रैक्ट डिटेल्स भी देंगे और आपको कॉन्ट्रैक्ट्स के लिए लोगों के साथ इंगेज भी कर देंगे कि जहाँ से आप अपना बिजनेस सेटअप आगे रन भी कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें भी साथ में हैं। बाकी उसके अलावा जिन लोगों को वीज़ा की रिक्वायरमेंट है, जिनको वीज़ा चाहिए, वो भी इस पेज के हवाले से हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, आपसे कर सकते हैं, और जो भी इस तवस्सुल से हमारे साथ रब्ता करेंगे कंपनी बनाने के लिए, बिजनेस सेटअप के लिए या बिजनेस वीज़ों के लिए, तो हम उनके लिए इंशाल्लाह एक पैकेज भी देंगे जो इस तवस्सुल से होगा, जो इस पेज से हम। कितनी कंपनीज आपके साथ एंगेज हैं, चल रही हैं अभी हमारे पास? अभी मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह, मैं आपको यहाँ से दिखाता हूँ, मेरे पास अभी 5 स्पॉन्सर मेरे पास हैं लोकल, और मेरे पास अभी 700 कंपनी से अबव कंपनीज जो हैं, जो मैंने मतलब बनाई हैं, जो मेरे पास रन कर रही हैं, जिनके पीयरशिप का काम हमारे पास है, मतलब उनके स्पॉन्सर हम हैं, और हम ऊपर, हमारे ऊपर जो है ना लोकल होते हैं, जो मतलब हम उनको वो फैसिलिटेट करते हैं। लेकिन अब यहाँ का गवर्नमेंट का एक लॉ आ गया कि हम, आप 100% कंपनी अपने नाम पे भी ऑन कर सकते हैं, जो 100% आपकी कंपनी होती है आप अपना उसके अंदर लोकल, उसके अंदर आपको कोई डिस्टर्बेंस भी नहीं पैदा कर सकता। तो ये सारी चीजें अभी बहुत ईजी है यहाँ पे दुबई के अंदर, तो जिस तरह का भी आपको काम चाहिए पाकिस्तान से आप अपना माइंड बनाएं, यहाँ पे विजिट करें, यहाँ पे आप आके देखें, ऑफिस है हमारे पास, यहाँ पे हमसे डिस्कशन करें, बाहर जाएं, जहां से भी आपको इंशाल्लाह सबसे अच्छे रेट्स भी मिलेंगे, और दूसरा आपको बिजनेस सेटअप के लिए आपको पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन। किसी भी किस्म का यहाँ पर बिजनेस करना चाहे, छोटा है बड़ा है, एक आप जो है उनकी लाइसेंस भी करा के दे सकते हैं, जी जी, उनकी रजिस्ट्रेशन भी करा के, सब कुछ करा के, तमाम इन्फॉर्मेशन भी देंगे बैंक के हवाले से उनकी, बाद में यहाँ पे ड्राइविंग लाइसेंस है उनकी, सारी चीजें आरटीआई लिंक्ड जो भी चीज है, सारी चीजें हम उनको यहाँ पे, आपने रेस्टोरेंट बनाना है, डिलीवरी का काम करना है, कार्गो का काम करना है, कंस्ट्रक्शन का करना है, इलेक्ट्रिक करना है, कोई भी काम करना है आपने, किसी भी तरीके का काम करना है, ट्रैवल टूरिज्म का काम करना है आपने, जिस भी, जो भी आपका माइंड है, जो भी आपका है, आप वो सारा बिजनेस यहाँ पे कर सके, इवेंट्स मैनेजमेंट का, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का, जो भी आपको लाइसेंस चाहिए हम आपको सारे फैसिलिटेट कर सकते हैं। जैसे एक ये डिलीवरी सर्विस है, जी जी, अगर कोई नया बंदा आता है यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करता है तो उसकी रजिस्ट्रेशन के ऊपर जो है, जी जी, उसकी रजिस्ट्रेशन हो गई, बाकी मामलात हो गए, शेयरिंग ऑफिस हो गया, जी जी, तो इसके ऊपर जो है फर्स्ट इन्वेस्टमेंट उनकी कितनी है?
तकरीबन तकरीबन ये सारी चीजें, अगर आपको मतलब ये है कि इन्वेस्टर के नाम पे 100% हमने कंपनी उसको ही ओन करके देनी है, वो खुद ही उसका ओनर है और शेयरिंग ऑफिस है, स्पॉन्सर है, ये सारी चीजें मैक्सिमम उसकी जो सारी चीजें हो जाएगी वो 25,000 तक समथिंग ही होगी, 25,000 दिरहम में जी ये सारा काम जो है आप करके दें। बिल्कुल बिल्कुल। और उसके बाद फिर उसकी इन्वेस्टमेंट शुरू होती है जी। उसके बाद वो डेली सर्विस में मिनिमम कितनी उसके पास जो है वो इन्वेस्टमेंट हो कि वो यहाँ पर अपना सेटअप जो है वो बेहतर बना सकता है, अच्छा बना सकता है। अभी देखें ये तो एक ऐसा बिजनेस है जिसके अंदर जितना मिनिमम की बात, मिनिमम ये मैक्सिमम तो मिनिमम तो देखें अभी मैं वही बता रहा हूँ कि जो कुछ बंदे आते हैं जो सिर्फ लाइसेंस बनाते हैं फिर उसी के ऊपर इन्वेस्ट करते हैं कि वही हमें चला के देगा। तो आपने सिर्फ लाइसेंस बनाया, आपने गवर्नमेंट से अप्रूवल ले लिया कि आप यहाँ पे डिलीवरी का बिजनेस कर सकते हैं साल के लिए, लेकिन आपके पास बाइक्स नहीं है, फिर उसके लिए आप रेंटल पर एक वे है उसकी तरफ जाते हैं, वो एक मुश्किल है, वो भी चल जाता है। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि अगर 100,000 भी है ना तो उसके साथ भी एक अच्छा आप सेटअप बना सकते हैं। 100,000 के साथ इन्वेस्टमेंट के साथ आप यहाँ पे 1,00,000 दिरहम के साथ एक अच्छा डिलीवरी का सेटअप बना सकते हैं। लेकिन अगर एक सिक्योर बिजनेस करना चाहते हैं तो 200,000 आपके लिए आपके पास हो तो आप एक अच्छा सेटअप अपना, क्योंकि बैकअप आपके पास होना बहुत। ये हमारे भाई थे अहमद लिगारी साहब, इनसे बड़ी मुफीद मालूमात हमें मिली है। इनका बड़ा अच्छा बिजनेस है और यंग एज में इन्होंने इतनी बड़ा सेटअप बना लिया, जैसे कि भाई बता रहे थे कि 700 कंपनीज इनके साथ चल रही हैं, उनको फैसिलिटेट कर रहे हैं। और यहाँ पर मैं 3 दिन से यहाँ पर हूँ इनके ऑफिस में, ये किरण सावत्र मेरा अपना काम जो है वो लिगारी साहब के साथ चल रहा है, तो मैंने देखा है कि तो इनका अंदाज बड़ा अच्छा है और लोग जितने भी आए हैं मैंने उन्हें मुतमैन पाया है। और सबसे बड़ी बात ये है और यहाँ पर बैठे हुए लगते ही नहीं है जैसे मैं यहाँ पर आया, मुझे ऐसा लगा जैसे हमारे अपने भाई, अपनापन सा महसूस होता है। तो यकीनन अगर कोई दोस्त पाकिस्तान से दुनिया के किसी भी कोने से यहाँ पर दुबई में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, अपना बिजनेस करना चाहते हैं, तो वो लिगारी से आपसे रब्ता भी कर सकते हैं और इंशाल्लाह ये फुल फैसिलिटेट करेंगे। थैंक यू सर।